हमारी दैनिक दिनचर्या में आसपास हमारे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन उनकी भी एक खुद की एक कहानी होती है। ऐसे ही एक कहानी एक छात्र की है जिसने अपने जीवन के कीमती 13 से 14 साल दिए अपनी संघर्ष और लगन के लिए, लेकिन जिसने हार नहीं मानी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि जागती आँखों से सपने देखा करें, वो सपने अक्सर पूरा होते हैं। इसी लाइन को चरितार्थ और यथार्थ करती एक छात्र की कहानी है। उस छात्र द्वारा अपनी रुचि अनुसार सन 2004 में जिले के एक निजी स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश लिया। उसने प्रवेश यह सोच के लिया था कि आने वाले 4 साल बाद उसका कोर्स पूरा होगा और 5वें साल वह किसी अच्छी जगह पर जाकर नौकरी चाकरी कर सकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सन 2004 में निजी संस्थान के द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिस विश्वविद्यालय से उसका संबद्ध था। विश्वविद्यालय ने 1.5 साल या 2 साल बाद लगभग 2005-06 में यह कोर्स बंद कर दिया। राज्य की चिकित्सा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तर्क देते हुए कहा गया कि यह कोर्स मात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पैमाने पर ही कराया जाना है। इस कारणवश उस विश्वविद्यालय द्वारा उस कोर्स को बंद कर दिया गया। इस कोर्स में विकास के साथ पढ़ने वाले कई छात्र थे जो इस कोर्स को आगे करना चाह रहे थे। जैसे ही यह सर्कुलर जारी हुआ, विकास के आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। आगे के कोर्स करने के लिए जो तमन्नाएं, जो मन में उसके सपने थे, वो वहीं चकनाचूर हो गए। उसने हार नहीं मानी, उसने विश्वविद्यालय की ओर कूच किया। विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया कि आप चिकित्सा क्षेत्र के महाविद्यालय में संपर्क कर वहां पे संचालित कोर्स में प्रवेश लेकर आगे की पढ़ाई करें। इस हेतु मूल विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सकीय महाविद्यालय हेतु उन्हें एक पत्र दिया गया ताकि वह जाके वहां पर प्रवेश लेकर आगे की पढ़ाई कर सके। 2007-08 के आते आते विकास की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, वो और बढ़ती जा रही थी। पत्राचार के उपरांत बहुत लाग लपेट करते हुए आखिरकार विकास का प्रवेश चिकित्सकीय विद्यालय के उस कोर्स पर हुआ जरूर, लेकिन वहां पर भी साल भर उपरांत उनके साथ कुछ न कुछ चीजें घटित होनी शुरू हो गई। 2 सेमेस्टर पेपर देने के उपरांत 2008-09 के बीच विकास को यह कहा गया कि आप वहां के छात्र नहीं हैं, आगे की पढ़ाई आप हमारे यहां से नहीं कर सकते। जैसे ही ये बात विकास को पता चली, विकास का जैसे हाथ पैर ठंडा हो गया। 2009-10 में पुनः विकास अपने पूर्व मुख्य विश्वविद्यालय की ओर कूच कर गए। वहां पर विश्वविद्यालय द्वारा और प्रबंधन के द्वारा उन्हें एक प्रमाण पत्र NOC और एक पत्र दिया गया जिसमें यह कहा गया कि आप आसपास के राज्यों में से किसी भी राज्य में जाकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। विकास ने मध्य प्रदेश की ओर कूच किया जहां पर एक विश्वविद्यालय में उसे पुनः प्रवेश मिला। 2012-13 के आसपास आते आते इस तरह लगभग विकास के 7-8 साल चले गए। फिर भी विकास ने हार नहीं मानी, उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठियों ने जैसे उम्मीद ही छोड़ दी, विकास फिर भी चुप न बैठा। उसने जैसे तैसे कर पैसे जोड़कर मध्य प्रदेश के उस विश्वविद्यालय में उस कोर्स को पुनः प्रवेश प्राप्त किया। पुनः 3रे या 4थे सेमेस्टर से उसकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। धीरे धीरे करते विकास ने अपनी पढ़ाई को आगे गति दी। इस प्रक्रिया में इस पढ़ाई को पूरा करने विकास के लगभग 4 से 5 साल वहां बीत गए। 2018-19 के आते आते विकास ने अपनी पढ़ाई पूरी की। सारे सब्जेक्ट्स में उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए, असाइनमेंट्स कंप्लीट किए गए। विकास की मुसीबत यहाँ भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मध्य प्रदेश के उस विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम मार्कशीट और डिग्री देने में आनाकानी करनी शुरू कर दी। फिर अपनी मार्कशीट और डिग्री के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर काटने शुरू कर दिए। तब मुझे पता चला कि विश्वविद्यालय ने नहीं, वहाँ के कर्मचारी के द्वारा उसके मार्कशीट और डिग्री रोकी गई किसी रिश्वत के नाम से। लेकिन विकास ने कसम खाई थी कि जो भी हो मैं रिश्वत नहीं दूंगा, अपना काम अवश्य कराऊंगा। इसलिए उसने MP ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से कर दी। मंत्री कार्यालय से एक जवाब आया जिसपे विश्वविद्यालय प्रबंधन को कड़ी फटकार देते हुए विकास को उसके डिग्री और मार्कशीट देने को त्वरित कहा गया। विकास ने अपने आवेदन पे अपने होने का जिक्र किया
कि मैं बस्तर का हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, ये पढ़ाई लिखाई मैंने बहुत मेहनत और लगन से की है, मेरी ज़िंदगी के 13-14 साल इस पढ़ाई को पूरे करने में लग गए। फाइनली विकास ने 2022 में यह कोर्स पूरा किया। यह कोर्स था फिजियोथेरेपी का, 4 साल का कोर्स एक छात्र आराम से कर सकता था, लेकिन संघर्ष कभी कभी आदमी की बड़ी कड़ी परीक्षा लेता है। इस संघर्ष की कहानी इतनी लंबी चली कि उसकी लगन ने ही उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाया। विकास फाइनली फिजियोथेरेपी का कोर्स पूरा कर डॉक्टर विकास बन पाया। इस कहानी को बताने का उद्देश्य यह है दोस्तों, आसपास कई सारी घटनाएं घटती रहती है, कॉमन मैन हमारे आसपास रहते हैं, सबकी अपनी कहानी होती है जो उनके संघर्षों से लबरेज होती है। विकास की ये कहानी जब मुझे पता चली तो मुझे लगा कि इसे आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की एक अपनी कहानी होती है, अपने संघर्ष होते हैं, यह संघर्ष हर आदमी को सफल बनाती है। विकास की इस कहानी के साथ अगली कहानी फिर किसी एक कॉमन मैन की होगी। धन्यवाद।